Assalamualaikum जी, welcome back to another vlog, welcome back to another video. आज का जो vlog है, बल्कि वो vlog नहीं है, prank है. क्या कहते हो आप? बड़े खतरनाक prank है वैसे, जो आपने लगी हो. हाँ जी, मैं उठा के ले गई सुबह सुबह. क्या आपको आसमान में आज हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया. अभी मैं नाश्ता कराऊंगा मुझे कहीं से. भैया क्या हो गया, रोज तो आप खाते हो. नहीं तो मैं उठे ही मुझे जाना 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 निकला लेके. क्या अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है वो ये है कि हम करने जा रहे हैं प्रैंक. व्लॉग नहीं है, प्रैंक है. हम करने जा रहे हैं टैटू प्रैंक मामा पे. अभी मैं गाड़ी में बैठ के या किसी रूम में जाके सीक्रेटली टैटू बनाऊंगी अपने फेस पे कहीं, ठीक है. और जाके फिर मामा को हम ये शो करेंगे कि मैंने टैटू बनवाया कहीं बाहर से परमानेंट वाला. और क्या करेंगे भैया? चलिए फिर चलते हैं व्लॉग प्रैंक को स्टार्ट करते हैं. मुंह पे व्लॉग चढ़ा हुआ है, इतना बुरा व्लॉग चढ़ा हुआ है ना मुंह पे कि प्रैंक की जगह व्लॉग ही निकल रहा है. प्रैंक स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या होता है. क्या जी, तो यार ये फाइनल लुक, अब हम लोग जाने लगे हैं अंदर. मैंने मामा को कुछ नहीं बताया, भैया ने एक सीक्रेट कैमरा लगा दिया, तो हम लोग अंदर जाते हैं जाके रिएक्शन नोट करते हैं. चलिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या व्लॉग बन रहा है? क्या करा के आई हो? मम्मा मैंने कुछ करवाया था ये काम. नहीं क्या काम है? नहीं तो मैंने आपका रिएक्शन नोट करना था ना, कैसा लग रहा है? नहीं मतलब क्या है ये, मुझे तो ये क्या चीज़ है, क्या करा के आई हो, ये लाल क्यों हो रही है स्किन? मम्मा टैटू है. टैटू करा के आई हो? मामा वो भैया ने मुझे कहा था कि आजकल ट्रेंडिंग है. मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे कहा, तो वहाँ पे कॉलेज के साथ ही कोई जगह थी. तो मान अपनी शक्ल देखो, ऐसे लाल फेरी भी लग रही है यार, क्या करा आई हो? हंसने वाली कौन सी बात है जैनब? अपने मुंह पे सारा कुछ करा के आ गई है वो खराब गड़बड़, और तुम्हें हंसियां आ रही है बड़ी. चुप करो फिर, मैं उसको डांट रही हूँ, तुम हंस रही हो. तो परमानेंट है, उन्होंने कहा था ये ले नहीं सकता. ईमान ही आपने पूछा पापा को? पापा से पूछा आपने ये क्या आप रंग बिरंगी बन के आ गई हो? नहीं, और मुझे तो आप लोगों को पसंद है. सारा आपका मुंह सड़ गया साइड साइड, और सारी स्किन आपकी जल गई है, और ये ऐसी कोई बिल बतौड़ी लग रही. टैटू मैंने भी देखे हैं, बाजू पे लोगों ने कराए होते हैं कोई एक आधा, वो भी हमारे तो मजहब में भी जायज नहीं है टैटू कराना. ये क्या मतलब है? क्या हाँ, मिटेगा नहीं मिटेगा, क्या होगा इसका? हंस क्यों रही हो आप आगे से? हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें. भीड़ बच्चों की तरह तुम हंसती जा रही हो, आगे हंसती जा रही हो तुम आगे से. ये किसने आपको कहा है? किसी फ्रेंड ने कहा होगा चलो कराए जाके? उसने कहा कराया? उसने बाजू पे. ईमान आपको पता है इसका लेजर कराना पड़ना है, इसका तो नहीं जाना है. और पापा को इतने सख्त बुरे लगते हैं टैटूस. मैं हंसी क्यों आ रही है आपको? कमाल नहीं हो गई है वैसे? हाँ वही ट्रेंडिंग है, आपको समझ ही नहीं आ रही. मैं क्या आप कैसे आपको समझाओ? भैया को बुलाया भैया को पता है. जैनब भैया किधर है? पता नहीं. भैया को छोड़ो, मैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है ऐसा. मैंने कहा कहा था मुझे कहती मैं टैटू बनाने जा रही हूँ. मैं बहुत ज्यादा मेरा ना बीपी से था हूँ. मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो नहीं आते नहीं पर स्टिकर वाले आपने आपके सामने मैंने बात की है, तो आपने कहा था कि वहाँ आओ. वो ये तो मेरा डाले से ना टैटू बनाने जा रही हूँ, ये है वो है वीडियो ये वो जी. और पापा ने कहना है कि क्या कराइए. पापा को तो हाथों पे यहाँ बने हुए इतने बुरे लगते हैं, पर हंस रही है अभी बच्चों की तरह. पापा को ना बुलाओ, पापा को बुलाओ. चाय चाय पड़ी नहीं, उनको बुलाओ जरा. क्या मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा. चपेट लगानी लगानी चपेट है. ब्रेड हुई है स्किन ही सारी यहाँ से. उन्होंने कहा थोड़ी सी स्वेलिंग होती है बाहर में, ये बाहर के चमड़े में होते हैं. आपको क्या लग रहा है? बहुत लाल कलर की चमड़ी आ गई यार. ये पापा करेंगे, तुम देखो तो सही. पापा नहीं
तुम्हें क्या मसला है, टेंशन हो रही है मान के आ गई, क्या बात है? लाल खून चुरी कौन सी, क्या करनी है पूछो कि क्या करनी है, क्या हुआ मुझे ये बताओ कि तुम्हें इसकी शक्ल क्या लग रही है, ये ट्रेंडिंग है वो लग रही वो जो हम मूवीज देखते हैं पुरानी उसमें जादूगरनी होती है, पूरा मुंह उन्होंने भरा होता रंग भर के, और मुंह पर तुम्हें किसने, मैं तो किसी के मुंह पर ही देखा है मान, लोग गर्दन पे कराते हैं या हाथों पे कराते हैं, तुम तो अपने मुंह पे करवा रही हो। One eternity later. आज एक सरप्राइज है आपके लिए। हाँ जी आई है, इसको देखें आप अंगूठी जो तुम्हें वापस आएगी, आप देख ले यार मुझे तो बड़ी जबरदस्त किस्म की टेंशन हो रही है, तो मैं मेरे उसको बर्दाश्त नहीं, मेरे तो बिल्कुल हाई हो गया है जबरदस्त किस्म का। क्या बात है, रिकॉर्ड तो सही दिखा दो, देख तो लेना ही है, अभी दिखा रहे हैं बाहर दिखाने बाहर, देख क्या हुआ क्या है। इसने मुझे कहा था कि मुझे आप छोड़ दो सैलून में, मैंने कोई व्लॉग बनाना है अपना, टैटू शैटू बना लिया, मैंने उसे टैटू को भी व्लॉग बनाना होगा, उसका मैंने ड्रॉप कर दिया, उसका मैं लेके आया हूँ, तो ये जी भी सीन है। और मुंह पे टैटू बनवा के आई है, मुंह में जी जादू करनी लग रही है, उसका स्किन वहां सुधरी हुई है, रेड हुई है, लेकिन ये देखो इधर आओ मेरे पास, इधर पास आओ ना, मैं बताता हूँ क्या मसला है। मैंने ये किमान क्या बन के आ गई हो तुम, ये तो मिलते हैं उससे लेजर से मेरे हाथ, किसने तुम्हें मुंह पे टैटू बनाया, ग्रीन का टैटू तो कहीं बॉडी पे किस जगह पे है, अजीब लगता है, और आपको पता है इस्लाम में हराम है ये, आपकी अपनी जो शक्ल है उसका सत्यानाश करना, अपने शक्ल भी सत्यानाश कर लिया है, उसको देखे तो सी सारी लाल वो पूरे स्वेलिंग हुई हुई है, मैंने पहले समझी हूँ कि एमी मजाक कर रही है, कहाँ से करवाया, किस जगह से करवाया, तो मैंने कहा ऐसी कर रही है, मैंने हाथ लगाया तो दुख रहा है उसका पूरा मुंह, कहाँ से करवाया, किस जगह से है, कौन सी शॉप से, शक्ल दिखाओ जरा पापा को, इधर आओ मुझे दिखाओ, इधर आईब्रोज देखे जरा कैसी हो गई है, मुंह सूजा हो गया यार, इधर इधर दिखाओ जरा उस पास, क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, जरा बैठो मेरे पास, इधर आओ मुझे दिखाओ, उसको खाली निकालना पड़ना है, मान मुझे गुस्सा ना चावल चढ़ा के बैठा, मैं तुम्हें हाथ जल चू, ये बेड़ा करके आ गई है, ये उतरते नहीं है, देखना पड़ता है, पापा को ना बुलाओ, पापा को ना बुलाओ, ये ना बुलाने वाली चीज है, दूर से नजर आ रहा है, एक साइड और एक साइड और, अब लोग आपके चक्कर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, हाँ जी जरा दिखाओ ना मुझे क्या मतलब है, देखो तो सही उतर सकता है, नहीं उतर सकता, इधर आओ, हंसी भी स्वाद की आ गई आपको, इससे बड़ा कोई अच्छा काम करके आई यार, इसको देखना है कि रिमूव हो सकता है, यार है कोई हो सकता है, मार रही हो तुम फुल टाइम, तो इसको खत्म तो करें, आप हल्का नहीं करते, फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, किससे किया है उन्होंने टैटू, वो जो नीडल होती है ना जो जो उसको दिखाते हैं, वो जो परमानेंट नीडलिंग होती है उससे किया है, तो बंदा डिस्कस कर लेता है, बात कर लेता है पहले, करने से पहले दो चपेड़े इसके मुंह पर लगानी चाहिए वैसे आपको, चपेड़ों के निशान पड़ने ज्यादा बेहतर लगेंगे इससे, इसकी नस्बत मैं कह रहा हूँ जाकर बैठो मुझे दिखाओ जरा, मेरे फेस को देखना है, नहीं पड़ी यार, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया, पूछना नहीं होता, बात नहीं करनी होती कोई भी, कोई बात करने की जरूरत नहीं, मामा से मामा के फ्रेंड हो तुम, जब बताया ही नहीं, इसमें जीप से अंदर में कॉल आ रही है, सारा सूझ गया हो गया, हाँ जी कमाल हो गई यहाँ से, अमान इस तरह तो कभी नहीं, आपको हर चीज हर तरह का कपड़ा
हर चीज हम आपको लेके देते हैं जो आप कहती हो, लेकिन जो चीजें मतलब नहीं करवाई कभी आपने, मुझे देखा मैंने कुछ करवाया हुआ ऐसा, और ऐसा करवाना ये है, आजादी देने का ना, बात बात तक नहीं की उसने कि पूछ ही रहे मामा से, मेरी बात सुन, तुम कहती तुम्हारी फ्रेंड है हर बात तुम्हारे डिस्कस करती है वो। यार मुझे उसने कहा है मैं कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ, काम है मुझे, वहां गई है, उसने डिस्कस नहीं किया तो मतलब क्या है परमानेंट है कि बस मुंह सूझा हुआ है वो, हाथ ही लग रहा है उसको, मैं हाथ लगाई तो कहीं दर्द हो रही है मुझे, तो फिर तीन चार बालियां भी पहन लो मुंह में सही तरीके से वो बन जाओ, और दस रंग के बाल करा लो और निकल जाओ सड़कों में, फिर घर में रखने वाला कोई सीन नहीं है। इसको चार पांच ना वो भी ला दो, वो जो लोगों ने सुराख करा करा के पहने होते हैं नाक में, गले में, कानों में, नंबर बताओ, नंबर नंबर बताओ उनको, अब सोप में आ रही है ना बैठी, आप नंबर दे दो, आपने रास्ता दिया है, आप तो दो ही करके है सेंटर की तरह, तो मैं छोड़ गया था, लेकिन नंबर तो दो दो सो कॉल, आपने मैसेज पे पता किया था यार, तुम सर्च कर लो जरा बैठ के, तुम सर्च करो उसको निकालो, जिस जगह पे लिखो सैलून था कि टैटू सेंटर था, सैलून था उसमें भी आंसर किया, कलर कलर इंजेक्ट कर देते स्किन के अंदर, हां जी मुझे पता है, लेकिन मोबाइल हो गया पूरा दाग पड़ता है, और अगर लेजर कराएंगे तो लेजर से उसकी स्किन उड़ जानी है सारी, होम पर ही बाल के बैठ जाएगी ना फिर, यार हाथों पे मतलब बना करवा रहा था फेस पे, किस पागल ने तो सजेस्ट कर दिया, मैं तो बड़ा कम समझता था उसको, अब रोने का कोई फायदा नहीं है, ये किस तुम्हारी से नहीं तो उसको आदत पड़ गई ना, उसने मुंह का बेड़ा रखी आप बालों का करेगी, मैं तो क्या छह रंग के बाल कराओ निकल जा सड़कों पे, आप कपड़े भी उनके अजीबो गरीब होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं, ये सेटेबल नहीं है, उसने मुंह पे करवा रही है सारी जिंदगी के लिए दाग, तुम्हारे से डिस्कस नहीं किया था, नहीं मुझे उसने बताया कुछ नहीं, मैंने से कोई बात नहीं की है, मुझे इसने कहा था कि सिर्फ मैंने वो बनाना है व्लॉग तो टैटू बनाया, यार जब बंदा टैटू की से बात की थी आप बात करते हैं मामा से, मेरे से बात करते हैं, दिमाग में किसी ने किया ही नहीं है हमारी फैमिली में, तो कभी किसी ने कराया ही नहीं है, मुझे भी समझ आ रही है कि किसने इसको अकल दी है, किसने कराया कि कराओ जाके, तो मुझे बताओगी अभी रोई थे, हंस रही होगी फिर से, हंस रही है पहले भी हंस रही है, मैं यहाँ आके बैठ गई, मेरा बीपी हाई हो गया था, मैं यहाँ से यहाँ आके मैं इसका मुंह उड़ा दूँ, मारी मार क्या देखो ये क्या है, अब क्या देखे ना, उंगली मार मार के साफ करी जा रही है, यार तो पूरा मुंह सूजा हुआ है, सूजा है मुंह का, नहीं नहीं देखिए उतर रहा है सारा चारों तरफ, एक कमीनी लड़की है, हाँ जी बदतमीज जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त हुआ है, कमाल हो गई है, अच्छा रो भी नहीं थी, और जब ऐसे कर तो कभी क्या एक्टिंग है, वाह कुछ भी कुछ भी, क्या एक्टिंग है, तो गई है वैसे मन, ये तो बहुत ही खतरनाक था, ये लगे जी वाकई में रोने लग गई है, क्या हो गया, रो क्यों रही हो अब, क्या हुआ, अभी तो एक से पेड़ पड़ी है उसको, यार आज तक कभी पापा ने कुछ कहा नहीं, रोना शुरू इस करेगी तो फिर ये भी तो हो गया, मुझे भी तो पड़ी थी आपसे स्मोकिंग वाले ब्रांड पे, याद है, तो कैसे लगा आप लोगों को आज का प्रैंक, आई होप सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, मेरा भी मेकअप भी खराब हो गया, देखते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग या प्रैंक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।